नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, उनका जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार नया पेंशन रिवाइज किया जाएगा, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 6 जुलाई 2017 को एक ऑर्डर जारी किया था। और उसमें उस ऑर्डर में उन्होंने लगभग 58 कॉन्कॉर्डेंस टेबल जारी की थी पेंशन रिवाइज करने के लिए। और उसी ऑर्डर को या उसी टेबल्स को फॉलो करने के लिए डिफेंस पेंशनर्स का जो पेंशन है वो भी उसी टेबल के अनुसार रिवाइज किया जाएगा। और उसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स न्यू दिल्ली, उन्होंने आज 13 जुलाई 2017 को एक ऑर्डर जारी किया है। और इसमें सभी जो PCDAs और CDAs हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो नया पेंशन है सातवें वेतन आयोग के अनुसार, वो भी कॉन्कॉर्डेंस टेबल जो जारी की गई थी 6 जुलाई 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा, उन्हीं टेबल के अकॉर्डिंग डिफेंस पेंशनर्स का भी जो नया पेंशन है वो फिक्स किया जाए और उनका जो नया पेंशन है वो जल्दी से ही फिक्स कर दिया जाए, जिससे पेंशनर्स को उनका पेंशन जल्दी मिले। और दोस्तों, यदि आपको जो आपका नया पेंशन जानना है तो उसके लिए भी एक ऑफिशियल कैलकुलेटर जारी किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा ही, उसका लिंक भी हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और पहले वाले वीडियो में हमने दिया गया था और फिर भी हम एक बार फिर से यहाँ पे दे देंगे, तो जिससे आप उस पे लिंक पे क्लिक करो और अपना जो नया पेंशन होगा आपका वो आप बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं। और उस लिंक पे जो कैलकुलेटर दिया गया उससे जो अमाउंट अराइव होगी वो आपका पक्का और जो आपको मिलने वाला है पेंशन वो पेंशन रहेगा, उसमें कोई भी नहीं रहेगा, यानी कोई भी उसमें डाउट नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पेंशनर्स को जल्दी ही उनका नया पेंशन मिल जाएगा, जैसे कि सरकार ने पहले एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें बोला गया था कि 30 सितंबर से पहले पेंशनर्स को हर हालत में उनका नया पेंशन दे दिया जाना चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी पेंशनर्स को उनका नया पेंशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।